तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और ये कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स का और यही चलते हैं आप। उसके बाद एक हो गया, अगर आप 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इट वॉज फॉर्म बाय द, इसे बोला जाता है बहुत सारी बुक्स में भी, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस वजह से बनाया गया? डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। वही तो प्रोसेस था कि जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो गए या बैरिस्टर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, वो कांग्रेस के मेंबर्स थे। बोले आप लोग जो है सोफिस्टिकेटेड लोग, एनी क्लास है इंडिया का। बोले हाँ वो तो है। तो फिर आप लोग जमा हुई, हमें इंडिया की बहुत चिंता है। अगर चिंता ऐसी होती है, चिंता कभी माओ फिर, अगर चिंता ऐसी होती है तो पिटिशन ने बोला कि हमें इंडिया की बड़ी चिंता है और आपको हम एलिजिबल मानते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कर सकते हैं। बोले हाँ करेंगे, बताइए। आप जाइए लोगों के पास, आप लोगों के पास जाइए, प्रॉब्लम्स निकल आइए और प्रॉब्लम हम तक लाइए, प्रॉब्लम्स हम तक लाइए, हम करेंगे सॉल्व। कांग्रेस बोला ऐसे कैसे आ रहा है, कोई जगह तो दो। तो यू विल सी 1892 एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इन लेजिस्लेचर वाली इनडायरेक्ट। 1892 वाज अ टाइम वेयर एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड, दो इनडायरेक्ट। आ पार्लियामेंट बाद लेजिस्लेचर। तो कांग्रेस जाती थी इंडिया के हर कोने कोने में, जाती थी लोगों से डिस्कस करती थी परेशानी क्या है। हर साल कॉन्फ्रेंस होता था, अपने पढ़ाओ बताओ, अपने बताओ, हम रखेंगे पार्लियामेंट, हम रखेंगे पार्लियामेंट में प्रॉब्लम्स, बताओ प्रॉब्लम बताते थे। पार्लियामेंट में रहती थी कांग्रेस, इंडियंस रखते थे पार्लियामेंट की ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने तो आपको क्लियरली बता दिया कि ब्रिटिशर्स का मेन मुद्दा ये इंडियंस को लाने का ये ध्यान, वो प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स तक तो लेके आए, लेकिन ब्रिटिशर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुन रहे थे क्या प्रॉब्लम? नहीं, ये प्रॉब्लम सुने और वो प्रॉब्लम को वहीं दबा दिया जाए, तब ये प्रॉब्लम बढ़कर ये हमारे गुलाम ही ना जाए। एक्चुअली में सॉल्यूशन हो नहीं रहा था, कांग्रेस किए जा रही है ये चीज, सॉल्यूशन हो नहीं रहा था। और ये नियम हमेशा याद रखिए, कोई भी ग्रुप हो, मैंने पहले भी बताया, लंबे समय तक अगर किसी ग्रुप को सक्सेस नहीं मिलेगी ना, फेलियर लगातार मिल रही है, तो उस ग्रुप में से कुछ लोग रैडिकल होना शुरू हो जाएंगे। ये नियम है दुनिया में किसी भी ग्रुप का, कोई भी ग्रुप बनी है लंबे समय तक जब वो उस चीज पूरी नहीं कर पाएगी तो उस ग्रुप में से कुछ लोग रैडिकल होना शुरू हो जाएंगे। यहां पर भी हुआ 1885 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस तो बन रही, कांग्रेस बनने के बाद लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, 17 साल बीत गए, लगभग 20 साल हो गए। तो कांग्रेस में से कुछ लोग बोले भैया ये बातचीत से कुछ नहीं होने वाला, कि पार्लियामेंट में जाओ प्रॉब्लम रखो, इससे कुछ नहीं होने वाला। वायलेंस इज द ऑप्शन। और कांग्रेस में से कुछ लोग जो बोल रहे थे कि वायलेंस इज द ऑप्शन, दे वर एक्सट्रीमिस्ट, यही हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। और जो बोल रहे थे नहीं नहीं हमें बातचीत सही करना है, मॉडरेट्स बस। कांग्रेस जिसको क्रिएट किया कि ये हमारे प्रॉब्लम्स, इंडियंस की प्रॉब्लम को हम तक लाएगी और हम तक कहीं ना कहीं हमें एम्पावर करेगी कि हम उस प्रॉब्लम करने वाले को खत्म करें, कांग्रेस अपोज हो गई है। किसके? अरे वायलेंट होक्स मतलब किसके अपोज? ब्रिटिशर्स के अपोज हो गई। मतलब आप ये किसी काम की रही नहीं इतनी अवर, ब्रिटिशर्स की आप किसी काम की रही नहीं, क्योंकि फिर हम स्वदेशी। और ये नियम भी याद रहता है, जब हमें एक्सट्रीमिज्म ज्यादा होगा ना, नेशनलिज्म का होगा देश, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देश में नेशनलिज्म को बढ़ाना है ना, एक्सट्रीमिज्म को कम कर रहा है, और देश में नेशनलिज्म को कम कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। तो आप देखो कि एक्सट्रीमिज्म बढ़ गया, इसको कम करना था, तो यू विल सी 1905 स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन मटेरियल्स एंड क्लोथ्स, एवरीथिंग इज रिलेटेड, कुछ भी ऐसे नहीं आया। और कांग्रेस इनसे काम किया नहीं, 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 तो अब ब्रिटिशर्स को चाहिए कोई और, ब्रिटिशर्स को बेसिकली कुछ और चाहिए ना, कि भैया कोई और हमारे प्रॉब्लम को, इंडियंस की प्रॉब्लम को हम तो लेके आए, कांग्रेस अब किसी काम की रही नहीं हुई है।
up 1905-1906 where you will see मुस्लिम नहीं चल क्या है, कौन बुराई कर रहा है, कौन पिचिंग कर रहा है, हमें बताओ हमको। मुस्लिम लीग ने बोला हम क्यों बताएगा, हमारे देश से गद्दारी क्यों करे भैया, हम क्यों बताए तुमको, तुम कौन हो हमारे और किसी ने बताए, हम नहीं बताने वाले। बात तो सस्ती थी, ऐसी ही नहीं बताना है। मैंने पहले भी बोला अगर आपको सामने वाले से कुछ काम कराना है तो सामने वाले को पहले खुश करो, पहले सामने वाले को खुश करो तभी अपनी बातें सामने रखो। चांसेस ज्यादा है कि वो भी पूरी हो जाएगी। इस देश में, दुनिया में, जैसे इस देश में मानव लोगों की ख्वाहिशें क्या, इंसानों को कहां खुशी मिल रही है, देती खाना अच्छा जी बोल, क्या टेस्टी खाना खिला तो इंसान खुश हो रहा था, कपड़ा अच्छे कपड़े, लड़कों को चल जाना नहीं है ऐसी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पता तो नहीं लेकिन और गुरु ये दो तीन चीजें हैं जो ज्यादातर लोगों को खुश कर रही है। उनमें से खाना हर किसी का फेवरेट होगा, एक्सेप्शन वुड बी एवरीवेयर, कहीं भी हो सकता है एक्सेप्शन, लेकिन हाउ जगह से तो आप देखोगे अक्सर जितने भी बड़ी बड़ी बातें होंगी ना वो खाने के टेबल पर होगी। आपको कोई पसंद है, आप लेके चले गए कैंडल लाइट डिनर बना मन एंड शी लाइक such a great ambience, I'm loving it, of course this is khana, yes it's amazing, Italian, amazing food, badhiya, you like it, you like the sauce, yes amazing it is, will you marry me, yehi to hota hai, khane ki table ye sab khana bahut kamzori hai, sir 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 nahi shaadi ho rahi hai, ladka hai, are ladka to pichle saal ki ladki ko bula ke le aaye, dulha to hai, khane ki table khana lenge, are khana lag gaya, chalo प्रमोशन कैसे हो रहा है, बॉस आज मेरे फीस मैं नहीं सुनूंगा, अब भाभी जी को लेके आने का, भाभी जी को लेके आना कंपल्सरी है, हाँ ठीक ले आएंगे, अब उन्हें जो वाइफ है हस्बैंड क्या खाना ठीक से बनाना, ओनली वन बनेगा खाना आज, वाली घर बिक जाएगा, ओनली वन खाना बनेगा आज, मैं भी कोरिया से आपने 15-20 किलो खाना खिला लिया बॉस को, बस हो गया, नहीं नहीं बॉस अभी कैसे, अभी तो रबड़ी खाना है जलेबी के साथ, खाइए आप पूरा खिला दो, आधा किलो रबड़ी खिला दो और फिर वहां आई बैठ गए, बहुत मजा आ गया, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ गया, क्या जवाब नहीं खाने का करना अक्सर वो प्रमोशन, आओ तभी रखनी है बात, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आपके बाद मान ली जाएगी, यहां भी वही हुआ, मुस्लिम लीग से काम कराना है तो उनको खुश रखना होगा, तो यू विल सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ओपेर अवेयर सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, मतलब किसी कंस्टिट्यूएंसी में जो सीट रहेगी वो किसी के लिए रिजर्व रहेगी, और उस एरिया में वोट भी वही में लोग करेंगे, ऐसा ही है, लेट्स से किसी कंस्टिट्यूएंसी में सिख के लिए रिजर्व है, सिख 1980 में सिख एंग्लो इंडियंस को भी बढ़ा दिया गया, सिख के लिए है 1900 स्टिक इन इंडिया अगर वो सीट रिजर्व है, इसका मतलब मैं ये समझो कि उस एरिया में हिंदू वोट नहीं करेगा, उस एरिया में मुस्लिम वोट नहीं करेगा, उस एरिया में कौन वोट करेगा, सिख, अगर किसी एरिया में मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व है तो उस एरिया में हिंदू वोट नहीं करेंगे, सिख वोट नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, यही सब ठीक है, ठीक वेरी खुश रहो, मैं आजकल जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए ये क्यों करना चाहते हैं आप, यही ना करना चाहते हैं कि आपका आदमी खड़ा हो, आप चाहते तो यही है ना कि आपका आपका ही आदमी खड़ा हो, मैं तो वैसे भी खड़ा ही रहा है ना, मेरी बात समझिए आप, सीट किसी के लिए रिजर्व कर दी जैसे मुस्लिम के लिए, तो अगर हिंदू भी वोट करेंगे, सिख भी वोट करेंगे, आएगा वो कोई मुस्लिम ही, आपने नहीं क्यों किया,
मुस्लिम ही वोट डालेगा। अरे अगर हिंदू भी वोट डाल दिया, सिख भी वोट डाल दिया, आएगा कोई अल्टीमेटली मुस्लिम ही जिंदगी में कोई थ्रिल नहीं बचा है, मोनोटोनस लाइफ, सच बोरिंग लाइफ, हैशटैग। आप एक काम करिए यार, आप टिकट क्यों करिए, महाराष्ट्र जाइए और मुंबई में, महाराष्ट्र में दो दिग्गज को बहुत माना जा रहा है, बहुत माना जा रहा है, उनके खिलाफ आप जाइए। दो चीजें, एक है बाला साहब ठाकरे जी और है छत्रपति शिवाजी महाराज। आप जाइए मुंबई में भले मारे ने और किसी एक को भी कुछ उल्टा सीधा बोल जाए, फिर जो जिंदगी में थ्रिल आएगा फिर कभी थ्रिल नहीं वहा होगा जिंदगी में, कभी नहीं। Like one Mr. Let's see election हो रहे हैं, अगर पूरा देश वोट कर रहा है तो कौन जीते, नो डाउट इन दैट। लेकिन अगर सिर्फ महाराष्ट्र में वोटिंग होगी तो बाला साहब जाएंगे, इंडिया